अभी अभी हम जिस लड़की को देख रहे हैं, हर नेम इज मियो ससाकी। उसके हाथ में एक मास्क है जिसे वो बड़ी गंभीरता से देख रही होती है। खिड़की का दरवाजा खुलता है और हम देख रहे हैं एक बिल्ली को रूम से बाहर निकलते हुए। असल में उसके पास जो मास्क है वो उसे इनेबल करता है कैट के रूप में ट्रांसफॉर्म होने में, जब कभी भी वो इस मास्क को पहनती है। हिनोदे अपने घर से बाहर तारो को बुला रहा होता है। अगले पल वही बिल्ली उसके ऊपर छलांग लगा देती है। तारो और मियो एक ही होते हैं और ये बात ऑब्वियसली हिनोदे को नहीं पता होती। दोनों रोज एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया करते थे। हिनोदे उसके लिए कैट फूड बनाता है और ढेर सारी बातें करता है जो कि अक्सर लोग अपने दोस्तों के साथ किया करते हैं। घर वापस लौटते समय मियो की मुलाकात मास्क सेलर से होती है, जिसने कि उसे कैट मास्क सेल किया होता है। तो गाइज, ये कहानी एक टिपिकल लव स्टोरी है। बस इस कहानी में ह्यूमन वर्ल्ड और कैट वर्ल्ड की कहानी एक साथ चलेगी। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले मियो के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उस दिन वो इतना ज्यादा सैड थी और डिसहार्टेड होती है, उसका दुनिया से विश्वास ही उठ जाता है। उसके लिए सभी की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई होती है। तभी उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो कि उसे कैट मास्क ऑफर करता है। इनिशियली उसे लगता है कैट मास्क पहन के वो लोगों को अवॉइड कर सकेगी। सेम नाइट उसकी मुलाकात हिनोदे से होती है, जो कि उसकी इस मिजरेबल सिचुएशन में हेल्प करता है और सिंपथी प्रोवाइड करता है। हालांकि हिनोदे के लिए वो बस एक स्ट्रे कैट होती है जिसे वो आउट ऑफ काइंडनेस केयर कर रहा होता है, बट मियो को उसी समय से प्यार हो जाता है। इसके बाद मियो बिल्कुल बदल जाती है। घर में वो अपनी स्टेप मॉम और डैड को अवॉइड करती है, लेकिन स्कूल में वो रोज हिनोदे के साथ ऐसी हरकतें करती है जैसे एक दिल फेक आशिक करता है। यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत खूबसूरती से मियो के माइंड पैलेस को पोर्ट्रे किया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मियो इस पूरी दुनिया में बस कुछ ही लोगों को इम्पोर्टेंस देती है, जैसे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और हिनोदे। बाकी सारे लोग उसके लिए बस एक स्केयर क्रो के समान होते हैं। मियो वॉज टोटली इन लव विथ हिम और उसकी हरकतें इस बात को इम्प्लाई भी करती है, बट हिनोदे उसे कभी एक्नॉलेज नहीं करता। मोर ऑफन वो उसे टोटली इग्नोर ही मार देता है। बट हिनोदे इस बात से अनजान होता है कि जिस लड़की से वो दूर भागता है वही सेम लड़की एक बिल्ली के रूप में उसके साथ काफी वक्त बिताया करती है। रात वाले इंसिडेंट के बाद से ही मियो रोज तारो के रूप में हिनोदे से मिलने जाया करती थी और हिनोदे भी तारो को कंपनी देना पसंद करता था। मास सेलर असल में मियो की लाइफ स्पान को लेना चाहता था। वो उसे पूछता है, तुम्हारा टाइम हिनोदे के साथ कैसा बीत रहा है? शी रिप्लाइज, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं। इस पर मार्क सेलर उसे कहता है, अगर तुम्हें इतने मजे आ रहे हैं तो क्यों ना तुम ये कैट मास्क रख लो और बदले में मुझे अपना फेस मास्क दे दो। मियो और बिना किसी सेकंड थॉट के इस ऑफर को ठुकरा देती है। कारण बताते हुए वो कहती है, इस मास्क की जरूरत उसे तभी तक है जब तक हिनोदे उसे ह्यूमन फॉर्म में पसंद ना करने लगे, यानी कि इस फेस मास्क की जरूरत उसे बस इंटेल कलेक्ट करने के लिए होती है। मास सेलर उसके इस प्लान से जोरदार हंसता है और फिर हवा में उछलते हुए गायब हो जाता है। अगले दिन स्कूल में मियो कुछ बच्चों को हिनोदे की बैड माउथिंग करते हुए सुन लेती है। फिर क्या, वो ब्रिज से छलांग लगा देती है उन्हें सबक सिखाने के लिए। नीचे लैंड करते ही उसे चोट लग जाती है। हिनोदे अपनी क्लास से उसे छलांग लगाते हुए देख लेता है और वो जल्दी से भाग के नीचे पहुंचता है और मियो को कहता है, हिनोदे के अफेक्शनेट वॉइस सुनते ही वो अपना सारा ध्यान उसकी तरफ ले आती है। हिनोदे उसके साथ अपना लंच बॉक्स भी शेयर करता है। मियो के लिए हिनोदे का छोटा सा जेस्चर ही काफी होता है और कि वो स्कूल रूफटॉप से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। सेम डेट नाइट हिनोदे तारो को बता रहा होता है कि उसे अपनी फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करना है, लेकिन वो ये बात अपनी मॉम से नहीं कर पाता। हिनोदे कहता है उसके मन में जो कुछ भी होता है वो कभी बोल नहीं पाता। तारो भी मन ही मन यही सोच रही होती है कि उसके मन में जो होता है वो कभी बोल नहीं पाती। लास्ट नाइट की कॉन्वर्जेशन के बाद मियो डिसाइड करती है हिनोदे को ऑफिशियल कन्फेस करने का, बट वो ऐसा करने के लिए लव लेटर को जरिया बनाती है और ये लव लेटर उसकी क्लासमेट को मिल जाता है, जो कि पूरे क्लास में जोर जोर से उस लेटर में लिखी बातें पढ़ने लगते हैं। मियो और हिनोदे दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ही एम्बेरेसिंग हो जाती है। हिनोदे उस लड़के के हाथ से लेटर छीन लेता है और बहुत ही टेंस नजरों से मियो की तरफ देखता है। हिनोदे गुस्से गुस्से में बोल जाता है, मियो को ये बात दिल पे लग जाती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। घर पहुंचने में मियो की स्टेप मॉम उसकी हालचाल पूछती है और कहती है, तुम ठीक हो? असल में मियो की स्टेप मॉम एक अच्छी महिला होती है, लेकिन मियो उन्हें पसंद नहीं करती। मियो उसके आर्ग्यू करते वक्त उसकी स्टेप मॉम कहती है, तुम हमेशा हंसते हुए मुझसे बात करती हो, चाहे अंदर से तुम कितना भी दुखी क्यों ना हो। मियो इस बात से और ज्यादा टेंस हो जाती है और फिर खिड़की से बाहर भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो पाती है कि
अब उसके लिए उसके पेरेंट्स भी बस एक स्केयरक्रो बन गए हैं, जिनका उसकी ज़िंदगी में अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो खिड़की से मास्क के साथ कूद जाती है। उसके पेरेंट्स नीचे की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी देखने को नहीं मिलता। उधर हिनोदे दिन में हुए मियो वाले इवेंट से काफी वरीड होता है। तभी खिड़की पे तारो दस्तक देती है। मिक्स्ड फीलिंग्स होने की वजह से वो तारो की तरफ देखते हुए आई लव यू बोलता है और फिर उसी पोस्चर में सो जाता है। मियो मन ही मन सोचती है कि अगर वो मियो नहीं तारो होती तब हिनोदे उसे पसंद करता। मास्क कलर अगली सुबह उसे एक सरप्राइजिंग विजिट देता है और पूछता है, क्या तुम अभी भी इंसान बने रहना चाहती हो? चूंकि मियो अभी कंफ्यूज होती है, इसलिए वो कहती है, आई एम डन, मैं हार मान चुकी हूँ। ऐसा बोलते ही उसके चेहरे से मास्क गिर जाता है और मास्क सेलर उसे उठा लेता है। मास्क सेलर बताता है कि अब तुम एक बिल्ली बन गई हो और अभी 3 से 4 दिन लगेंगे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने में, उसके बाद तुम कभी भी ह्यूमन नहीं बन पाओगी। मास्क सेलर उसे ये भी बताता है, अब ये जो मास्क उसके पास है वो एक ह्यूमन मास्क है जो कि वो किसी बिल्ली को दे देगा जो इंसान बनना चाहती हो। इसके बाद मास्क सेलर कहीं गायब हो जाता है। मियो देखती है कि उसके लापता होने के बाद सभी लोग उसी की तलाश में हैं। उसके पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स, इनफैक्ट हिनोदे भी उसे खोज रहा होता है। मियो तारो के रूप में हिनोदे के साथ ही खुद को ढूंढ रही होती है। जब हर जगह ढूंढने के बाद भी मियो नहीं मिलती, तब थक हार मान के हिनोदे तारो को कहता है, मियो को अपनी नासमझी पे पछतावा होता है और वो सोचती है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बट सरप्राइजिंग फैक्ट्स का सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। हम देखते हैं मियो 3 दिन बाद ह्यूमन फॉर्म में स्कूल अटेंड करने लगती है। लेकिन कैसे, क्योंकि मियो तो अब बिल्ली बन गई होती है ना। वेल, तारो भी जब खुद की लुक अलाइक को मियो के रूप में देखती है वो भी सरप्राइज होती है। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है लुक अलाइक मियो असल में मियो की स्टेप मॉम मिसेस काउरी की पालतू बिल्ली होती है, जिसका नाम किनाको होता है। किनाको बताती है कि चूंकि बिल्लियों की लाइफ स्पान छोटी होती है, इसलिए उसका जाने का वक्त निकट आ चुका है और मिसेस काउरी ने उसका बचपन से ख्याल रखा था, इसलिए अब वो फेवर रिटर्न करना चाहती है। कंक्लूजन, मास्क सेलर ने मियो का फेस मास्क किनाको को सेल कर दिया होता है और बदले में मियो की लाइफ स्पान आधी किनाको को और आधी मास्क सेलर को मिल जाएगी। अभी फुल ट्रांसफॉर्मेशन होने में 3-4 दिन लगने होते हैं। तारूफ मियो डेस्परेटली पूछती है मास्क सेलर कहाँ मिलेगा। इस पर किनाको मियो को एक हिडन पाथ दिखाती है, जिसको फॉलो करके मियो कैट्स के हिडन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस काउरी मियो को देख के बहुत खुश होती है, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों से अपनी पालतू बिल्ली कहीं देखी नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ी दुखी भी होती है। किनाको जब देखती है मिसेस काउरी उसके चले जाने से बहुत दुखी है, तब उसे रियलाइज होता है कि एक इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस कोई दूसरा पर्सन रिप्लेस नहीं कर सकता, और इसी रियलाइजेशन के साथ वो फैसला करती है मियो को अपनी बॉडी वापस दिलवाने का। इसके लिए वो हिनोदे से हेल्प मांगती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। ऑफकोर्स हिनोदे उसकी फैंटेसी बातों पर यकीन नहीं करता, बट जब किनाको अपना रियल फेस रिवील करती है तब हिनोदे को सारी बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। इसके बाद किनाको को फॉलो करते हुए हिनोदे भी कैट्स के हिडन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। चूंकि हिनोदे एक ह्यूमन था, इसलिए वो कैट वर्ल्ड की सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए किनाको उसे एक कैट मास्क देती है, जिसको पहनने पे वो भी हाफ कैट बन ही जाता है। वो पूरा बिल्ली में इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं होता क्योंकि मन से वो बिल्ली बनना नहीं चाहता। उधर तारो भी मास्क सेलर को ढूंढ रही होती है। इसी बीच वो बिल्लियों से मिलती है जो कि कभी ह्यूमन हुआ करते थे, लेकिन मास्क सेलर ने उन्हें भी बेवकूफ बना के उन्हें बिल्लियां बना दिया। मास सेलर तभी वहां टपकता है और तारो को किडनैप करके प्रॉमिस पैलेस ले जाता है, जहां वो फाइनल रिचुअल परफॉर्म करने वाला ही होता है। तभी हिनोदे आके सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। मोरओवर वो सारी बिल्लियां भी हिनोदे और मियो की हेल्प करती है, जो कि कभी ह्यूमन हुआ करती थी। अल्टीमेटली सारे लोग के जॉइंट सपोर्ट की वजह से मास सेलर का प्लान फेल हो जाता है। सभी मौका देख के हिनोदे वही अनमोल शब्द बोलता है, तो हमारी कहानी शुरू हुई थी मियो की इस थिंकिंग से कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अब उसे पता चल गया होता है कि उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स उसकी परवाह करते हैं और वो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। किनाको को भी खुशी खुशी फेस मास्क वापस तारो को दे देती है और तारो वापस से मियो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन मिड क्रेडिट सीन हम देखते हैं कि सबकी लाइफ सेट हो गई है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। सो एज अ वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार लाइक और शेयर कर देना। विजिट अनदर चैनल, जहां हम दिमाग को हिला देने वाली मूवीज का स्टोरी ब्रेकडाउन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्यू टाकू बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस।